रविवार को नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर के डॉक्टर संजीव गुलाटी के नेतृत्व में दिमागी बुखार से बचाव के लिए मलिन बस्तियों में जन जागरूकता का अभियान चलाया। इसके तहत मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए सुझाव दिए और मोटरसाइकिल रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर डॉक्टर संजीव गुलाटी और डिविजनल वार्डन अखिलेश ओझा ने बताया। जैसा कि आप ये रैली है तो झटका भी आता है कि छोटे बच्चों के लिए इंसेफेलाइटिस से मुक्त करने का एक अभियान जो अप्रैल को मैक्सिमम इंसेफेलाइटिस से पेशेंट भर्ती आप उसको हाथ उठाकर कहेंगे साफ सफाई इस फूड एक्सीडेंट डिफेंस आज सिविल डिफेंस गोरखपुर के नगर नेतृत्व के तत्वावधान में सिविल लाइंस प्रखंड द्वारा इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध जन जागरण रैली निकाली जा रही है। इसमें हम लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे कि ये बीमारी साफ सफाई से और कुछ जीवन यापन में अपने दिनचर्या में परिवर्तन ला करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह से लिया है इंसेफेलाइटिस को यहाँ से दूर भगाने का जो उनका दृढ़ निश्चय है उसमें हम सिविल डिफेंस के वार्डन बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आज के ये प्रथम चरण है जो आज हम लोगों ने शुरू किया है इसमें हम लोग मोटरसाइकिल रैली और हमारे कैंप्स लगे हैं जो ऐसे एरिया में जो अफेक्टेड हैं इंसेफेलाइटिस से उन इंसेफेलाइटिस अफेक्टेड एरियाज में हमारे वार्डन हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग उनका इंसेफेलाइटिस से बचने का इसकी रोकथाम का प्रचार प्रसार